मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम लीकोप एम किड टैबलेट का रिव्यू करेंगे। अगर इस लीकोप एम किड के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर ये लगे कि ये नॉलेज औरों तक पहुँचे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। जैसे कि सामने आपको ये छोटा सा वाइट कलर का कैटन दिख रहा है जो कि लीकोप एम किड टैबलेट है और ये मैनकाइंड फार्मा का बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये लोगो ये इंडिकेट करता है कि आपने ओरिजिनल लीकोप एम किड मैनकाइंड का ही ख़रीदा है। ये इस तरह के वाइट कलर के छोटे से कार्टन में आता है। इसके प्राइस पे भी नज़र डालेंगे, इसकी प्राइस 51.90 रुपये है और ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। इसके कंपोजिशन पे भी नज़र डाल लेते हैं। इसका कंपोजिशन जो है मोंटोलिकास्ट सोडियम 4 mg है और लिवोसेट्रोजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg है और ये बहुत ही अच्छी ड्रग है, एंटी एलर्जिक ड्रग जिसे हम बोल सकते हैं। चलिए इसके यूज़ जानते हैं। इसका यूज़ जो है अगर आपको आपके बेबी को, यानी कि पहले हम जानते हैं कि कितने वेट तक के बच्चों को हम दे सकते हैं, जबकि ये किड टैबलेट है, ये आप 13 से 14 kg के ऊपर के बच्चों में इसका यूज़ होता है। अगर बड़ों में इसका लीकोप एम करके नाम से सिर्फ आता है, किड लग गए यानी कि ये पेडियाट्रिक टैबलेट है, जूनियर टैबलेट भी बोल सकते हैं। चलिए इसके यूज़ जानते हैं। इसका यूज सर्दी जुकाम, हल्की फुल्की खांसी या गले में एलर्जी या बहुत ज़्यादा छींक आती हो या जैसे कि नाक बहुत ज़्यादा बहता हो या नाक हमारी जाम हो जाए, जैसे कि नाक दम जाम हो जाए, सांस वगैरह लेने में परेशानी होती है, उन कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये 13-14 kg से ऊपर के बच्चों में इसका यूज़ होता है और इसका जो डोज है दिन भर में एक गोली लेना रहता है, यानी कि नाइट में लें। और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है मैनकाइंड का और आपने कई बार अपने घरों में भी देखा होगा इस टैबलेट को। इसके टैबलेट का बॉक्स का हम फुल रिव्यू करते हैं। देखिए ये इस तरह के सिल्वर स्ट्रिप में आता है और इसको किनारे रखते हैं और भी इसके यूज़ जानते हैं। जैसे कि अगर बॉडी में किसी तरह की जैसे कि एलर्जी हो जाए, जैसे कि दाने वगैरह भी निकल जाएं या खुजली आए, उन कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये मुख्य दो साल्ट से बना हुआ है, मोंटोलिकास्ट एंड लिवोसेट्रोजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, और डिस्पर्सिबल टैबलेट है यानी कि डीटी टैबलेट है। जो बच्चे इस टैबलेट को आसानी से निगल नहीं पाते उन्हें हम घोल के भी पिला सकते हैं, बिल्कुल ये पानी में घुलने के बाद सिरप नुमा बन जाएगा। और ये एक टैबलेट मात्र आपको 5 रुपये का पड़ेगा, जबकि आपको आपके बेबी को अगर मान लीजिए कि सर्दी जुकाम या हल्की खांसी आ रही है तो अगर आप इसका सिरप लेते हैं सिरप बेस, तो वो आपको कास्टली पड़ेगा। सिरप बेस आपको 60 से 65 रुपये का 60 ml मिलेगा, जबकि आप उसे 2-3 ही खुराक पिलाएंगे आपके बच्चे की सर्दी जुकाम या हल्की खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी। जबकि हम टेबलेट यूज़ करें तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका हम 3 टेबलेट लें तो मात्र 15 रुपये का हमें मिल जाएगा और 3 खुराक में ही आपके बेबी की जो सर्दी जुकाम या खांसी के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। इसलिए टैबलेट जो फॉर्म होता है वो सिरप से काफ़ी सस्ता पड़ता है। और जैसे कि फ्लू के भी लक्षण हों, जैसे कि फ्लू के लक्षण में सर्दी जुकाम बना रहता है और बदन में दर्द, उन कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि ये एंटी एलर्जिक ड्रग है और मैनकाइंड फार्मा का है। इजिली आपको कई किसी भी इंडिया में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। बट इस ड्रग का अगर कभी भी आप इस्तेमाल करें तो डॉक्टर से एक बार
प्रिस्क्राइब करवा लें उसके बाद ही यूज़ करें। इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नॉर्मली है, जो कि 95% में 5 ही% लोगों पे इसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है, जैसे कि इसके खाने के बाद नींद बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप इस टेबलेट को अपने बेबी को यानी कि बच्चों को दे रहे हैं तो उन्हें बाहर खेलने के लिए ना भेजें, क्योंकि इसके खाने के बाद कुछ लोगों में देखा गया है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, और इसके यूज़ करने से कभी कभी पेट में दर्द या शरीर पे एलर्जी की तरह लाल लाल दाने चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। इस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इस लीकोप एम किड टेबलेट के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।